जीका वायरस हमारे सर्विलेंस के कारण आया है और हमारा सर्विलेंस इतना रोबस्ट है सारे देश में कि कोई भी ऐसा केस आता है तो उस केस को हम पकड़ लेते हैं। और उसके बाद हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, WHO के साथ मिलकर के उन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को हम ध्यान में रखते हैं। आइसोलेटेड केस है या कलेक्टिव केस है, केसेस का इंसिडेंस क्या है, हमारे ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इसकी सर्विलेंस भी चलती है, अपने डिपार्टमेंट की भी सर्विलेंस चलती है। तो ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल और हमारा DGHS डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये तीनों मिलकर के टीम कॉम्प्राइज करके इसको देख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भारत की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, नथिंग टू बी पैनिक, इट इज़ अवर कंटिन्यूअस सर्विलेंस प्रोसेस विच इज़ गोइंग ऑन एंड वी विल टेक अकॉर्डिंगली। जहाँ जहाँ इसके इंसिडेंट्स मिलते हैं वहाँ हम पूरी तरीके से इसको हम समाप्त करने के लिए उस कम्युनिटी में जो भी प्रोटोकॉल्स अडॉप्ट करने होते हैं वो सारे करते हैं और हम इसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं।